For more Sachin updates, click the red button and hit the bell icon to never miss any video from HSB News. BCCI 2018 से 19 घरेलू सीजन में पुरुष एवं महिला टूर्नामेंट के सभी आयु वर्गों में 2000 से ज्यादा मैचों का आयोजन करेगा। BCCI ने बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी। भारत के घरेलू क्षेत्र की शुरुआत 17 अगस्त से होने वाली दिलीप ट्रॉफी से होगी। वहीं देश के सबसे बड़े घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी का आगाज 1 नवंबर से होगा, जो 6 फरवरी 2019 तक चलेगा। दिलीप ट्रॉफी की शुरुआत 17 अगस्त से होगी, जो 8 दिसंबर को खत्म होगी। विजय हजारे ट्रॉफी इस बार 19 सितंबर से खेली जाएगी, जो 20 अक्टूबर तक चलेगी। देवधर ट्रॉफी 23 से 27 अक्टूबर के बीच खेली जाएगी। बीसीसीआई ने इस बार रणजी ट्रॉफी में 9 नई टीमों को शामिल किया है, जिससे टीमों की संख्या 37 हो गई है। इन सभी टीमों को 3 ग्रुप ए बी सी में बांटा जाएगा। ग्रुप सी में 10 टीमें होंगी। 9 नई टीमों में अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम और उत्तराखंड है। इन 9 टीमों को प्लेट ग्रुप में रखा गया है। इन टीमों में से जो टीम क्वार्टर फाइनल में जगह बनाएगी, उसे अगले सीजन में ग्रुप सी में रखा जाएगा। ग्रुप सी से क्वार्टर फाइनल्स में जगह बनाने वाली टीम अगले सीजन में ग्रुप ए और ग्रुप बी से खेलेगी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी 37 टीम होगी। ये टूर्नामेंट रानी ट्रॉफी के बाद खेला जाएगा। वहीं सीनियर महिला टीम अपने घरेलू सीजन की शुरुआत T20 चैलेंजर्स ट्रॉफी से करेगी, जबकि वनडे लीग 1 से 29 दिसंबर के बीच खेली जाएगी। वनडे चैलेंजर्स ट्रॉफी 4 जनवरी 2019 से 8 जनवरी 2019 के बीच खेली जाएगी। वहीं T20 लीग 20 फरवरी 2019 से 13 मार्च 2019 के बीच आयोजित की जाएगी। HSB न्यूज़ की रिपोर्ट।